अब आजकल जो तुम अपने सैलून में जो मेहंदी के जो मेकअप्स दे रही हो उसमें क्या चीजें हैं? ग्लिटर है, मैट मेकअप है, ग्लॉसी लिपस्टिक है, शिमर है मुंह पे, बाल बंधे हुए हैं, क्या चीज इन है? आई थिंक जो ट्रेंड जो रहा है वो अभी तक वही चीज जो है वो इन है. People still want the glitter and they still want, but they, you know, बहुत सी जो ब्राइड्स आती हैं खास तौर पे मेहंदी एंड जो निकाह, उनको बहुत सॉफ्ट मेकअप चाहिए होता है. बहुत जो ब्राइड्स आजकल तुम्हें लगता है ये ट्रेंड हो गया है कि लड़कियां कहती हैं भारी जोड़ है तो आप प्लीज हमारा हल्का मेकअप करें. नहीं, उनको मेकअप चाहिए होता है कि हम कुछ अपनी हमारी शक्ल कुछ बदल ना जाए, मतलब हम जो है वही लगे. हाँ, लेकिन मेकअप के साथ साथ हम हमारे फीचर्स एनहांस हो और हम खूबसूरत लगे, हम प्यारे लगे, लेकिन हमारी शक्ल को चेंज ना. अब लड़कियों को अवेयरनेस आ गई कि ज्यादा बेस लगाने से शक्ल प्यारी नहीं लगती. हाँ, मतलब कि यू नो इतनी जरूरत है उतना ही नहीं, वो बात नहीं है कि ज्यादा है या कम है. यू नो, आप अगर ज्यादा बेस भी लगा रहे हैं या जो भी है, लेकिन आप उसको इस तरीके से मेकअप को करें कि उसकी शक्ल ना चेंज हो जाए, ठीक है ना? बिकॉज मेकअप जो है इज नॉट फेक अप, यू नो, मतलब कि आप फेक उसको नहीं बनाना. हाँ. बनाना है. और बहुत सी ब्राइड्स को फेक लुक नहीं पसंद, नहीं है पसंद कि जी बिल्कुल अजीब जो है वो आपकी यू नो पेस्टी वाइट आपकी स्किन हो गई है, और जो इतना जो यू नो जो बहुत चिट्टा वाला बेस हो जाता है, और फिर आंखें बहुत ही एनहांस्ड बड़ी बड़ी सी वो यू नो, तो वो कहते बैलेंस हो. अब लिटरली हर दफा मेरे साथ ये होता है कि जब मैं ब्लैक लगाना शुरू करती हूँ ना आई लाइनर और थोड़ा सा सॉकेट को डिफाइन करने के लिए, वो कहती है ये बहुत ब्लैक तो नहीं हो गया, एंड एवरी सिंगल टाइम. एंड मैं कहती हूँ आप 2 सेकंड इंतजार कर ले, मुझे ब्लेंड तो करने दे ना, बिकॉज जाहिर है यू नीड अ डार्कर कलर कि आपको जो है सॉकेट ब्लेंड करना होता है. खुली भी तो लगे ना जरा. एग्जैक्टली, लेकिन जब मैं लगाना शुरू करती हूँ तो वो कहती है कि डर जाती है यू नो कि ओ ये तो बहुत काला लग रहा है. तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी खत्म ही नहीं हुआ है मेकअप, तो आप कैसे. बार बार लड़कियां शीशा देखती हैं उठा उठा. हाँ हाँ, लोग कहते हैं कि जवानी फिर नहीं आती, लेकिन जवानी बड़ी ईद पे फिर से आ रही है. हम चाहते हैं इस बड़ी ईद के बड़े मौके पे पूरा पाकिस्तान ये फिल्म देखे. हम आपके पास एक डील लेकर आए हैं, $1 डील. सिर्फ 100 रुपए में आप जवानी फिर नहीं आनी 2 देख सकते हैं, यानी कि 100 रुपए में जवानी फिर नहीं आनी 2 देखें. कैसे? ऐसे $1 जमा कराएं और हर एक मिनट में जीतें फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 का एक टिकट. इसके अलावा जीतो पाकिस्तान में बेशुमार इनामात जीतने का चांस. तो आए पाकिस्तानी सिनेमा की बढ़ाएं शान और मिलकर बनाएं पाकिस्तान. $1 डील में शामिल होने के लिए SMS करें बिड #name #city #amount #JPNA2 और भेज दें 8068 पर, या अपनी करीबी ARYE सहूलत बाजार या ARYE बिजनेस अलायंसेस पर विजिट करें. जितने ज्यादा डॉलर्स उतने ज्यादा जीतने के मौके. $1 यानी 100 रुपए. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 02111100162 और विजिट www.arysahulatbazaar.pk. जवानी फिर नहीं आनी अब सबके लिए. जवानी फिर नहीं आनी अब सबके लिए. जवानी फिर नहीं आनी अब सबके लिए.